पहली बार मैं रेडिंग जैकेट पहन के चलाने वाला हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। यहाँ पे ड्रोन उड़ा के देखेंगे और यहाँ के शॉट्स आने वाले हैं भाई खतरनाक। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइस देखो, मुझे धीरे धीरे से बात करना पड़ा है क्योंकि घर में अभी सभी लोग सो रहे और अभी बज रहे सुबह के 4। मैं नहा धो के मस्त फ्रेश हो गया। तो गाइस देखो, लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा मैं एक राइड पे जाने वाला हूँ, मैंने बोला था। तो गाइस देखो, अब वो टाइम आ गया और अब निकल रहे हैं हम लोग राइड पे। सुबह के 4 बज रहे सुबह। ऑलमोस्ट हम लोग 5:36 को निकलते थे हर टाइम राइड पे, लेकिन ये थोड़ी सी लंबी है तो उसके वजह से हम लोग 4:30 को ऐसा निकलने का हमारा प्लान बना था। फटाफट राइडिंग गियर्स वगैरह पहनते हैं। अनिश भी आने वाला है मेरे साथ, तो मैं अनिश और दो लोग आने वाले जो कि आपको आगे पता चलेगा, और हम आपको आगे पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे। मैं आपको मोटर व्लॉगिंग करते वक्त बोलूँगा। चलो गाइस देखो, हमारा छोटा सा सेटअप है, मतलब ये वाला क्लॉथ मम्मी स्टैंड क्लॉथ मम्मी मंगवाए थे, तो यहीं पे आके मैं बना रहा हूँ वैसे। आगे यहाँ पे रिंग लाइट। चलो फटाफट से राइडिंग गियर्स पहनते और फिर निकलते हैं। देखो, पहली बार मैं राइडिंग जैकेट पहन के चलाने वाला हूँ और ये मेरी फर्स्ट राइड है। राइडिंग गियर्स पहन के मैं चला रहा हूँ। निगार्स भी पहनेंगे हम लोग, निगार्स भी पहनेंगे, जैकेट भी पहनेंगे और फिर निकलते हैं हम भी। फटाफट से पहनता हूँ भाई, एडजस्ट कर लूँगा अपने साइज के हिसाब से, मतलब अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। मेरा प्लान बना था कि जब मैं लद्दाख जा रहा हूँ तब मैं पहनूंगा। अभी से मैं पहन लूँगा तो मुझे आदत भी होगी, तो ये वाले राइड पे देखेंगे राइडिंग जैकेट पहन के फील कैसा, मतलब कैसी फीलिंग आती है। नी गार्ड्स पहनते हैं और फिर निकलते हैं। तो गाइस देखो, यहाँ पे अपनी गाड़ी हो रही है कोल स्टार्ट और मैंने राइडिंग जैकेट वगैरह भी पहन ली और यहाँ पे नी गार्ड्स वगैरह भी। चलो अब निकलते हैं। चलो बाय 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 बाय। तो गाइस अब निकलते हैं, फटाफट से ग्लोव्स पहनते और फिर निकलते हैं। थोड़ा अजीब सा लग रहा है नी गार्ड्स पहना हो तो, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। ऑल सेट बाय बाय, जय श्री राम। भाई नोबो, जय माता दी नोबो। चलो बाय माँ। पता नहीं क्यों ऐसा चिल्ला रहा हूँ मैं। देखो अभी बज रहे सुबह के 4:30 को निकलने का प्लान था, लेकिन हम लोग जा रहे हैं अभी मीटिंग पॉइंट पे जहाँ से हमारी राइड स्टार्ट होगी, और वहाँ पे हमारे और भी दो राइडर्स आएंगे, उसके बाद हम लोग अपनी राइड स्टार्ट करते हैं। वाह। तो गाइस देखो, अपने राइडर्स भी आ गए, आगे हिमालयन, पीछे हिमालयन और बीच में अपनी आरसी। राइडिंग गियर्स पहन के चलाने में भाई मजा ही कुछ और है। अब मुझे पता चल रहा है, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, मैं बता नहीं सकता हूँ, उतना मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छी में राइडिंग गियर्स, मतलब मुझे कम्फर्टेबल भी फील हो रहे हैं, और इसलिए तो मैं, मतलब आज मैंने राइडिंग गियर्स पहन रखा है क्योंकि मुझे देखना था कि मतलब इस पे पहन के कम्फर्ट का, मतलब कम्फर्ट मिलता है या क्या कुछ रहता है करके। और हाँ, मेन तो बताना भूल गया, हम लोग जा रहे हैं गढ़वाल साइड, मतलब यहाँ से 220 किलोमीटर कुछ है, वहाँ पे एक मंदिर है। एक तो देखो, जब भी मैं राइड करता हूँ तो मैं दो चीज़ों को देखता हूँ। एक तो देखो, हमारी राइड हो जाती है अच्छे से कंप्लीट, और उसके साथ ही साथ किसी मंदिर के दर्शन भी कर लेते हैं, तो दो दो काम हमारे एक ही साथ हो जाते हैं। एक तो हम लोग मस्त राइड भी कर लेते हैं, नेचर को भी एंजॉय कर लेते हैं, और फिर आराम से चलते भी हैं, मतलब मस्त एंजॉय करते हुए जाते हैं। आज की हमारी राइड अप्रॉक्स 450 किलोमीटर्स, 450-460 ऑलमोस्ट, अभी राउंड फिगर लगा लो 500 किलोमीटर्स की राइड होने वाली है। ब्रेक लेंगे यहाँ पे, चलो टी वगैरह पीते और फिर निकलते हैं। देखो हमारा यहाँ से बेंगलोर कर्नूर 197। देखो यहाँ से हम लोगों को, मतलब हम लोग ने चाय वगैरह पिला है, कभी कभी मैं पागल हो जाता हूँ, मतलब कुछ भी वक्त रहता हूँ। यहाँ से बेंगलोर है 542 किलोमीटर्स, और कर्नूल 140 कुछ है। हम लोग अभी शमशाबाद में, अब जाके मुझे मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है क्योंकि मतलब दोनों तरफ अच्छे से ग्रीन हरे भरे झाड़ है, तो उसके वजह से अच्छी मस्त ठंड आ रही है, तो अच्छा लग रहा है। अंदर जैकेट के अंदर हवा जा रही है भाई, मेन बात वो है। आ गया हमारा सेकंड टोल गेट, यहाँ पे देखो लगता है किसी ने इसे ही उड़ा दिया भाई।
भाई खतरनाक, बड़ा ही प्रो राइडर होगा। तो मेरे वाइजर के ऊपर पूरे सारे के सारे मच्छर मरे पड़े भाई, पूरे मच्छर मर पड़े, खून हो गया है मच्छरों को। इन्हें देख के लगता है ये भी कोई राइड पे जा रहे हैं। जब भी कोई राइडर जाते हैं ना तो आप लोग कुछ ना कुछ उनको इशारा करो, मतलब थम्स अप देना या सैल्यूट करना, ऐसा कुछ करो। देखो मतलब मैं भी जितने भी मुझे राइडर्स मिलते हैं मैं उनको सैल्यूट या थम्स अप करता हूँ, क्योंकि देखो बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये एक रेस्पेक्ट है, मतलब बहुत जो मतलब अच्छा जोश भी आता है उनको भाई, लगता है वो बहुत जल्दी से उनको अच्छा लगता है, एक रेस्पेक्ट की तरह है भाई। यहाँ पे लोकेशन थोड़ा अच्छा है तो यहाँ पे थोड़े बहुत ड्रोन शॉट्स लेंगे अभी। अब बारी है ड्रोन शॉट्स लेने की भाई। आई होप आप लोगों को ड्रोन शॉट्स पसंद आए होंगे। और पहली बार मेरे इतना अच्छा निकाले, मतलब पहले भी आदत है लेकिन इस बार मुझे लगा मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो कमेंट सेक्शन में बताना ड्रोन शॉट्स आपको कैसे लगे। अभी मैं कर रहा हूँ अपने पैड्स तो गाइस अभी निकल रहे हैं यहाँ से हम लोग, यहाँ से 100 किलोमीटर से। देखो पूरे 100 किलोमीटर के बाद हम लोगों ने एक ब्रेक लिया है, मतलब बीच में एक ब्रेक लिए थे हम लोग टी ब्रेक, और उसके बाद एक वॉशरूम के लिए एक छोटा सा ब्रेक लिए थे, और उसके बाद डायरेक्ट अभी यहाँ पे ले रहे हैं। और अनिश वापस मेरे उसमें आ गया है क्योंकि अनिश को थोड़ी नींद आ रही थी, मतलब उनके पास बैठा हुआ था ना, अकेला था तो थोड़ी नींद आ रही थी, और तो मैंने अनिश को अपने उसमें बुला लिया। मुझे एक बात अच्छी लग रही है, हम लोग जल्दी 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 से कवर कर रहे हैं। मेन बात है अपने पार्टनर्स के ऊपर रहता है जो भी है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ राइड करके, सच्ची में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये आ गया अपना थर्ड टोल गेट, यो 1 2 3 तीसरा ये वाला। शिवाजी महाराज की जय। तो गाइस देखो अभी हम लोग वहां से कुछ 40-50 किलोमीटर कुछ आए, और ये वाला लोकेशन आप लोग चेक करो कितना मस्त है, बहुत मस्त है। यहाँ पे लाइन से अपनी गाड़ियाँ, और वो साइड भी वैसे ही है, यहाँ पे भी लोकेशन मस्त है। चलो यहाँ पे ड्रोन उड़ा के देखेंगे, और यहाँ के शॉट्स आने वाले हैं भाई खतरनाक, तो आप लोग शॉट्स देखो। देखो वहाँ पे विवेक, पता नहीं वो कहाँ जा रहा था फैमिली के साथ, तो हम लोग उसको दिख गए बीच में, तो अभी उसने कॉल किया मेरे को। हाँ विवेक, हाय। हाँ
కాదు ఇక్కడ పోతున్నాం ఒక గుడి ఉంది ఇక్కడ శక్తిపీఠం ఖమ్మం సైడ్ మీరు ఏడుకోతారు బాయ్ పోతున్నాం అన్న బాయ్ బాయ్ ఆంటీ థ్యాంక్ యూ ఆంటీ వివేక్ బీచ్ పే మిల్ గయా తా वो लोग तिरुपति जा रहे हैं। देखो बैटरी भी अपने गोप्रो की बैटरी भी खत्म होने वाली है, तो मैं आपको डायरेक्ट अभी मंदिर के पास ही मिलूंगा। चलो बाय बाय। तो यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ और अब फिलहाल हम लोग पहुँच गए टेंपल फाइनली। अब जाके टेंपल पहुँच गए हम लोग। टाइम कितना रहा है सुबह? हम लोग 5:45 को कुछ ऐसा निकले थे। अभी 9:45 हो रहा है, 9:35 हो रहा है और अब जाके हम लोग फाइनली पहुँच गए। पीछे की तरफ मंदिर है, तो अब यहाँ पे कुछ पानी वाटर बॉटल या कुछ ले लेंगे। यहाँ पे भी मंदिर है, चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है। और ये चेक करो आप, पत्थरों से बना है पूरा, एक के ऊपर एक पत्थर बन के इतना है। चलो अभी यहाँ पे पानी वानी पियेंगे और फिर अंदर जाएंगे, अंदर जाके दर्शन वगैरह करके आएंगे। अब धूप बहुत बढ़ गई है, धूप अब गर्म गर्म सा लग रहा है बॉडी में, बहुत गर्म लग रहा है। चलो फाइनली पहुँच तो गए अच्छे से सेफली। तो वैसे देखो अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पे ये देखो बंदर, जय माँ, वहाँ पे मंदिर और यहाँ से आपको घूमते जा रहे हैं। जाके हमारे फाइनली दर्शन हो गए कंप्लीट। और देखो वहाँ पे आप ये देख रहे हो ना, ये वाली पुरानी टेंपल, वहाँ पे टेंपल के बाजू में और आसपास 5-6 टेंपल है, मतलब सेम वैसे ही वो पत्थर की बनी हुई है वो टेंपल्स। मतलब ये भी पत्थर के, वो पुरानी जैसे थी ना वैसे ही है वो, मतलब किंग्स के टाइम पे कैसी थी वैसे ही है वो टेंपल। और तो क्या हुआ था, पहले सुल्तान्स या मुगल्स मंदिर को तोड़ने आए थे, तो आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में थोड़े स्टैचूस वगैरह टूटे टूटे, तो वो लोग आए तोड़ देते। तो यहाँ के राजा ने स्टैचू को लेके छुपा लिए थे, मतलब राजा जी छुपा लिए थे ये वाली मंदिर में, ये वाली। अभी जो ये वाली मंदिर 2005 में बनी है, इससे पहले वो पुराने मंदिर में ही स्टैचू थी, लेकिन अभी 2005 में यहाँ की ये नई मंदिर बनी है। यहाँ पे अच्छे से मंदिर को बना के स्टैचू, माता जी के स्टैचू को यहाँ पे लेके आए वापस। और वो मंदिर जब से लेके अभी तक मतलब वैसे ही है पत्थर, कुछ भी छेड़छाड़ की नहीं की इन लोगों ने। मंदिर के आगे ही यहाँ पे एक रिवर है, कृष्णा और तुंगाभद्रा का संगम होता है, मतलब कृष्णा और तुंगाभद्रा रिवर मिक्स यहीं पे होता है, तो मिक्स होके यहाँ से ही आता है। तो यह है कृष्णा और तुंगाभद्रा रिवर। यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी चल रही है, वहाँ पे लोग बोटिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं थोड़ी देर। और हाँ, इसमें फिशेज बहुत ज़्यादा है, मैं हम लोग को ऊपर से ही दिख रहे थे, मतलब एकदम एक 20-30-40-50 फिशेज एक साथ घूम रही है इधर उधर इधर उधर। तो अभी वही देखने के लिए जा रहे हैं और फिर यहाँ से निकल जाएंगे सीधा घर के लिए, खाना पीना कुछ खाएंगे और फिर निकल जाएंगे। यहाँ पे एक झोपड़ी बनी है, उसमें बैठेंगे जाके। और अभी टाइम हो रहा है 10:35 और सारा काम हो गया हमारा। और यस मेन, हम हमारे जो राइडिंग पार्टनर से उनको इंट्रोड्यूस करना मैं भूल गया था। यहाँ पे हमारे जीजा जी, मतलब हम प्यार से, मैं तो इन्हें बाबा करके बुलाता हूँ, और यहाँ पे उनके भाई महेंद्र भैया बाबा ने अंटे नन तीसको वच्चा लद्दाख मेरो నేను రావచ్చు అంటే ఇప్పుడు రాహుల్ని తీసుకోవచ్చు మనం లద్దాఖ్ మంచి నడుపుతున్నా తీసుకోవచ్చు మంచి నడుపుతున్నానా మంచి నడుపుతున్నా భయాలోక్ బి మస్ హమ్ లోగ్
3-3.5 hours में हम लोग आ गए यहाँ पे। थोड़ा बहुत वहाँ पे ड्रोन के लिए रुके थे तो उसके वजह से लेट हो गया, और एक दो ब्रेक्स भी हम लोग लेते उसके वजह से, और बाकी हम लोग मस्त अच्छे से सेफली आ गए और सेफली चले जाएंगे वापस घर। मस्त यहाँ पे रिवर है और यहाँ पे बैठे है। तो गाइस देखो अपने साथ एक प्रॉब्लम हो गई, ये वाला जो माउंट है यहाँ पे, ओ, 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 ओ ये वाला जो अपना यहाँ माउंट है ये यहाँ पे क्रैक्स आ गए, तो उसके वजह से गोप्रो अगर मैं लगाऊंगा, अगर हम थोड़ी स्पीड पे जाएंगे तो गिर सकता है, तो उसके वजह से मैं गोप्रो नहीं लगाऊंगा। और वैसे भी बैटरी भी नहीं है, बैटरी एक और है मेरे पास एक्स्ट्रा, मैं लगा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं स्पीड में जाऊँगा तो गोप्रो गिर सकता है, गोप्रो के साथ मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। चलो अभी वापस निकालते अपनी गाड़ियाँ और फिर चलते, अभी सिर्फ आपको थोड़े बहुत सिनेमैटिक शॉट्स देखने को मिलेंगे, चलो निकलते बाय। तो गाइस देखो अब हो रहा है टाइम 12:45 और यहाँ पे हम लोगों ने लंच कर लिया है, अब सीधा हम घर पे रुकेंगे भाई, सीधा गच्ची बोली में ही रुकना है, सीधा वहीं पे रुकना है। ये वाला रेस्टोरेंट मस्त है, अंदर मस्त, अभी इतनी ज़्यादा धूप है, इतनी धूप है, मतलब हमें तो उतना फ़र्क नहीं दिख रहा है क्योंकि हेलमेट पहने वो पूरी बॉडी कवर है, लेकिन अनिश को भाई अनिश को मैंने टॉवल दे दिया है, वो अपने फेस को और हेड को टॉवल से ढका है। हेलमेट लेना था लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी में निकल गए थे, नहीं तो मैं पक्का अनिश को हेलमेट पहनवा के ही लेके आता था, लेकिन यार भूल गए, अगली बार से ये गलती नहीं करेंगे। चलो निकलते हैं अब यहाँ से। बस अभी देखो टाइम हो रहा है 4:14 और फाइनली हम लोग पहुंच गए गच्चीबोली, यहाँ पे गच्चीबोली सिग्नल, और चलो बाय 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 ना बाय बाय बाय, चलो अनिश बाय, चलो भाई निकलते हैं अभी आप, हम लोग भी घर के लिए।